हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज शुरुआत करते हैं नए वीडियो की, नए दिन के साथ। और आज मैं हेलसिंकी सिटी सेंटर जा रहा हूँ डे आउट के लिए, बिकॉज इट्स अ ब्राइट सनी डे टुडे एंड वेदर यहाँ पर आज काफ़ी प्लेजेंट है। 11 डिग्री हो रहा है आज एंड थोड़ा विंडी भी है, बट इट्स गुड फॉर अ डे आउट। सो आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर योर लव, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे मैं ऐसी ही वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जस्ट नाउ आई हैव रीच्ड टू हेलसिंकी सेंट्रल स्टेशन, और यहाँ पर आकर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग एक बीच जाएंगे यहाँ पर, हितरांते नाम है, या आई गेस हितरांते ही, थोड़ा डिफिकल्ट है फिनिश में प्रोनाउंसिएट करना, लेकिन मैं मेंशन कर दूँगा ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के। सो लेट्स सी कैसा होता है हमारा एक्सपीरियंस, और मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा वीडियो में आगे। फाइनली जस्ट नाउ आई हैव रीच्ड टू दिस बीच कॉल्ड हितांत्रा। काफ़ी प्लेजेंट है यहाँ पर वेदर भी, और काफ़ी साइलेंट है। आपकी फैमिली के लिए डे ट्रिप या डे आउट के लिए अच्छा है यहाँ पर, और स्पेशली इन समर्स आप अपना यहाँ पर आइए और टाइम स्पेंड करिए। सो नाउ वी हैव रीच टू अ न्यू आइलैंड कॉल सुरासरी आइलैंड, और ये हितांत्रा बीच के बहुत नियर बाय है। यू कैन कम ईजली थ्रू लोकल ट्रांसपोर्टेशन, बसेज वगैरह यू कैन से। और इस आइलैंड की जो खासियत है कि यहाँ पर एंशेंट फिनिश कल्चर एंड फिनिश ट्रेडिशन को प्रिजर्व करके रखा गया है। एंड यू कैन सी ओवर हेयर देयर नंबर ऑफ ओपन एयर म्यूजियम एंड विच मेंटेन और प्रिजर्व बाय फिनिश गवर्नमेंट। सो आप मेरे पीछे यहाँ पर, आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर एंशेंट फिनिश होम्स वगैरह हैं, वो कैसे दिखते थे। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अनदर फिनिश इनोवेशन है, जो कि एंशेंट टाइम में फिनिश लोग यूज़ करते थे बोट्स वगैरह फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड गुड्स। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, इस बोट का नाम है टार बोट्स, जो 18th century में फिनिश कल्चर में यूज़ करी जाती थी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर अदर पर्पसेस। सो हम लोग आ चुके हैं एक आगे अपने पड़ाव पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे एक नोर्स मील है, जो 18th century में एंशेंट फिनिश कल्चर में यूज़ करी जाती थी ग्रेन्स वगैरह को ग्राइंड करने के लिए, जैसे कि आपका गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, उन सब चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए। और ये लोग काफ़ी इफेक्टिवली और कहीं से वेरी एफिशेंट वे यूज़ करते थे इस मील्स वगैरह को ग्राइंड करने के लिए। ये लोग वर्टिकली वाटर को या पानी को ऊपर से रोटेट करवाते थे, फ्लो करवाते थे, जिससे कि अंदर यहाँ इनकी मशीनरी रोटेट करती थी। और ये लोग स्पेसिफिकली इस टेक्नोलॉजी को स्प्रिंग फ्लड्स में यूज़ करते थे। अब आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एंशेंट फिनिश स्टोरेज और प्रिजर्व एरिया है, जहाँ पर वो लोग अपने ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करके रखते थे चूहे वगैरह से बचाने के लिए। और यहाँ पर ये लोग प्रिजर्व करके रखते थे कि ये लोग ड्राई रखें अपने ग्रेन्स या गेहूँ बाजरा वगैरह को नीचे से। और ये बेसिकली ये बिल्डिंग्स और ये जो छोटे छोटे हट टाइप स्ट्रक्चर है, ये लोग अपने रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा दूर रखते थे। आप जैसे कि आप लोग मेरे यहाँ पीछे देख सकते हैं, ये एंशेंट फिनिश होम है। ये एक छोटा सा विलेज सा टाइप सेटअप इन लोगों ने कर रखा है, 2-3 घरों का, जो आप लोग मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। एक रेड कलर का घर दिख रहा है आपको, और एक ये भी।
अभी कोविड के टाइम पे इन लोगों ने एंट्रेंस बंद कर रखी है, मैं आप लोगों को अंदर से नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने यहाँ पर पढ़ा है कि ये टू रूम अपार्टमेंट हाउसेज वगैरह है और वेल सेंट्राइज हीटेड अपार्टमेंट्स हैं और इनसे रो हाउसेज हैं। और ये इसकी आगे एंट्रेंस है लेकिन अभी बंद कर रखा है इन लोगों ने, ये देखिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू कमेंट एज़ वेल। थैंक यू।